डन। मेरी टीम तो तैयार है, और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। पता चला कि गौरव जी किसी से बात किए थे, जो कि इस वीडियो में आया था कि बाबा के खाते में 20 लाख रुपए आए हैं। तो जब बाबा के खाते में 20 लाख रुपए आए हैं तो क्या गौरव को सपना रहा था क्या? आप खुद बताओ, सपना रहा था उनके पास कि बाबा खाते में 20 लाख रुपए आए हैं? या जब हमारा खाता सील है या तो बैंक मैनेजर बताएगा कि बाबा खाते में पैसे आए हैं, हमें तो मालूम नहीं है। तो बाबा खाते में पैसे आएंगे कैसे? 20 लाख रुपए? ये वही कांता प्रसाद हैं जिनका रोता हुआ वीडियो महीना भर पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो ने कांता प्रसाद की जिंदगी बदल दी। फ्री में बाबा के आंखों का ऑपरेशन हुआ और चश्मा भी लग गया। बाबा अब नए अंदाज में नजर आ रहे हैं और ढाबा संभालने के लिए मैनेजर भी रख लिया है। बाबा इतने बिजी हैं कि मीडिया से बात करने तक की उन्हें फुर्सत नहीं है। रिपोर्टर को बोल दिया कि जाइए पेपर पढ़ के आइए। बाबा क्या हुआ है, क्यों पुलिस को आपने शिकायत दी है? भाई आपको तो पेपर में खुद ही आगे पढ़े होगे, देखे होगे क्या है। अब क्या है तो पेपर में पढ़ के देख लो क्या है। अपने बदले अंदाज के साथ बाबा अब थाने भी पहुंच गए हैं और पुलिस से गुहार लगाई है कि हुजूर हमारे साथ विश्वासघात हुआ है और हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ भी उससे चाहिए जिसने हमें मशहूर किया है। कंपनी ने इसलिए कि गौरव हमारे साथ विश्वासघात किए हैं। मतलब क्या लग रहा है, किस चीज का विश्वासघात किया? कि पैसे जो है, जो डोनेशन आए हैं, अपने बीवी के नाम, अपने भाई के नाम और अपने नाम, ये अकाउंट नंबर दे रखे थे, उसमें पैसे आए हैं। अच्छा, उसके अकाउंट नंबर में पैसे आए? हाँ जी, जो डोनेशन बाहर से आए। हाँ, बाबा के इन आरोपों के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है और जमकर मीम्स शेयर हो रहे हैं। यूजरों ने बाबा को 2020 का रानू मंडल कहना शुरू कर दिया है। वहीं कुछ लोगों ने लिखा है कि इस कलयुग में भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। दूसरी तरफ बाबा के समर्थन में भी लोगों ने जमकर मीम्स शेयर किए और गौरव वासन की तुलना हर्षद मेहता से कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक